कार्यक्रम यहाँ जेएनयू में कराया गया जिसमें कहा गया कि कारगिल दिवस मनाने के नाम पर हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम में एक वक्ता ने जो बात कही वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा और मुझे लगा कि हमें जरा ध्यान से उसे समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये राजीव मल्होत्रा और जो लोग जानते हैं आप लोगों को अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो पता चलेगा कि राजीव मल्होत्रा एक तरह से अपने आप को संघ के एक आइडियोलॉग के रूप में अपने आप को हिंदू इंटेलेक्चुअल के रूप में वो दिखाना चाहते हैं, यानी वो कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस के खिलाफ मैं हूँ और मैं एक तरह से भारतीय इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन ये उनका क्लेम है अपने बारे में, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन वो एक लंबे समय से भारत में जो भी यूनिवर्सिटी ट्रेडिशंस है, भारत में जो भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में लोग पढ़ाते हैं, लोग लिखते हैं, लोग छापते हैं, लोग बोलते हैं, एक तरह से अपने आप को उस सब के खिलाफ भी महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये सारे जो हैं ये सब एक तरह से इन्फेक्टेड बाई वेस्टर्न डिस्कोर्स और ये सब वेस्टर्न सोच से ग्रसित हैं और मैं इन सब के भी खिलाफ। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा वहाँ पे कि हम सिर्फ कारगिल के उस यहाँ पे याद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी एक्सटर्नल वॉर में, जो कारगिल एक एक्सटर्नल वॉर था, लेट्स फॉरगेट, इफ यू कैन हियर मी जस्ट लाइक दैट देन टेल मी, इफ यू कांट हियर मी देन टेल मी देन आई हैव अ गो विद दैट अगेन। सो आई थिंक दैट बेसिकली उसमें उनका कहना था कि एक्सटर्नल वॉर जो है सिर्फ उसको याद करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जेएनयू में एक इंटरनल वॉर के हिस्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और इसीलिए ये इंटरनल वॉर में जेएनयू को कैप्चर किया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आ जाए हैं। और जेएनयू के बाद में अन्य वक्ता ने भी वहाँ कहा, जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर अक्सर नज़र आते हैं, उन्होंने कहा कि जेएनयू के बाद में किन किन यूनिवर्सिटी की बारी है उसको भी उन्होंने गिना है। आखिरी तक सुनाई दे रहा है क्या? फाइन, या तो मुझे लगता है कि ये सोचना जरूरी है कि दो दो वहाँ यूनियन मिनिस्टर्स बैठे थे, किसी वाइस चेयरमैन, किसी वाइस चांसलर को या किसी सरकार को या इवन किसी इंटेलेक्चुअल को, राजीव मल्होत्रा के साथ मैं इतफाक ना भी रखूँगा, मैं नहीं तैयार हूँ, चलिए आपके कुछ विचार हैं, आपके इतने बोल रहे छात्र, फाइन, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी क्यों ऐसी जगह लगती है जिस पर आपको युद्ध करना जरूरी है? वाई इज इट अ प्लेस विच यू हैव विच यू फील यू नीड टू कैप्चर? वाई इज इट दैट दीज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम felt that JNU and other universities are a space which need to be captured, occupied, on which there is an internal war. Why was this word used? और मुझे इस मामले में काफ़ी इन लोगों पर थोड़ी सी तरस भी आई, क्योंकि दरअसल उन्हें महसूस होता है कि ये जो जगह है ये हमारे लिए कम्प्लीटली एलियन जगह है, क्योंकि पढ़ना लिखना, पढ़ाई से विचारों से लड़ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा सोच लगता है, पढ़ाई लिखाई लगती है, सारी चीज़ें उसके लिए किताबें उठा करके पढ़नी पड़ेंगी, लाइब्रेरी में थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इसको इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, मैंने सिर्फ पढ़ाई लिखाई, जिसे कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना आता, जिसे अक्षर भी नहीं आते, उसके पास भी विचार है, उस उनको भी जब विचारों की लड़ाई लड़नी होती है तो विचारों पर सोचते हैं कि अच्छा मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन तब भी मैं सोचूंगी कि मैं दूसरों की बातें सुनूंगी, उससे सीखूंगी, अपनी बात को कैसे रखूं इसके बारे में सोचूंगी, विचारों को सुन करके अपने उससे सीखते हैं, उसमें वो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी गीत रचते हैं, आपकी गाँव की कोई महिला जो है वो भी गाना बनाती है, तो वो भी कुछ सोच के बनाती है, कुछ सोचती है, उसको गाती है, वो भी उसके आइडियाज हैं। तो मेरा कहना है कि इस पूरी दुनिया से जिसमें विचारों से लड़ाई लड़ी जाती है, विचारों से चीज़ें बोली जाती हैं, शेयर होती हैं, इससे व्हाई डू दे फील सो थ्रेटेड, व्हाई डू दे फील सो अफ्रेड ऑफ साइलेंस? और इसमें मुझे दो तीन बातें याद आती,
plane should trace in that book to the skies. That person objected and said that this Rajiv Malhotra has plagiarized my book. He has wo meri kitab se cut paste karke shape karke apni kitab mein chhap diye hai, usse apne vichar bata diye hai aur mujhe keh diya ki main kitna badhiya scholar hu. Andrew Nicholson, main bahut acha scholar hu. Andrew Nicholson bahut acche scholar hai, lekin Sheldon Pollack jisko Andrew Nicholson ne apni kitab mein sabse pehle thank you karte hue shuru kiya ki ye mere mentor hai, inse maine seekha hai, unhone Sheldon Pollack ke khilaf us kitab ko likha. लेकिन उस किताब के सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि उन्होंने राजीव मल्होत्रा ने प्लेजराइज किया था, कट पेस्ट किया था. ऑल स्टूडेंट्स इन JNU, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर रिसर्च पेपर्स, योर टीचर्स विल टेल यू दैट यू कैन नॉट प्लेजराइज. इफ यू आर कोटिंग एन आइडिया देन यू हैव टू पुट इट इन कोटेशन मार्क्स, यू हैव टू गिव अ फुट नोट, यू हैव टू गिव अ एंड नोट. दिस इज बेसिक ऑनेस्टी टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन. उसके जवाब में राजीव मल्होत्रा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोटेशन मार्क्स ट्रेडिशन में थोड़े होते थे. संस्कृत स्कॉलर्स नेवर यूज कोटेशन मार्क्स. सो दिस कोटेशन मार्क्स बिजनेस एंड फुटनोटिंग एंड व्हाट नॉट, ऑल दिस इज अ वेस्टर्न यू नो अननेसेसरी थिंग, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट दैट. ये आप ऐसा करके तो क्या हो, आप कुल मिला करके कह रहे हैं कि ना, और ना सिर्फ उन्होंने कोटेशन मार्क नहीं डाले, प्लेजराइज किया, सारी चीज़ें की उसके बाद ये आसियात पर जवाब दिया, बल्कि उन्होंने जो किताब कोट की जिस इंटेलेक्चुअल स्कॉलर के आइडियाज को चुराया, उसको उन्होंने उस इंटेलेक्चुअल के आइडिया के खिलाफ एक तरह से खड़ा कर दिया, उनको एक तरह से अपनी लड़ाई का हिस्सा बना दिया. उनको कहना पड़ा कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा करते ही नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस रूप में नहीं देखता हूँ. तो ये एक उदाहरण है और मुझे इसमें थोड़ा सा यही लगता है कि जिन स्कॉलर्स को लगता है कि ये जहाँ पर स्टूडेंट सीखते हैं कि दूसरों के आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करो, उस आइडिया को अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तब भी मैं भाई कोटेशन मार्क में कोट करूँ और उसका विरोध करूँ, समझाऊँ कि मैं आपका विरोध क्यों कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप उसको आराम से कट पेस्ट कर लीजिए, चुरा लीजिए और उसको कह दीजिए कि ये सब तो वेस्टर्न डिविएशन. इस ऐसा करके तो आप जो भी स्कॉलरशिप, इवन संस्कृत स्कॉलरशिप जो है, यू आर डूइंग अ सर्विस इवन टू दोज एरियाज ऑफ स्टडी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड that in those areas of study on Sanskrit or other Indian traditions of scholarship, you basically can, you know, that intellectual integrity doesn't matter there. That quotation marks and footnotes and endnotes don't matter there. Yeah, okay. And this is the person who naturally then begins to feel that the university is an alien space which he needs to come and capture, which he needs somebody, he needs a vice chancellor to come and yahan jhanda gaadne ki zarurat hai. वो आकर के उनके झंडे को गाड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल आइडियाज, उनके जो आइडियाज है, राजीव मल्होत्रा के जो आइडियाज है, वो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस में इंटेलेक्चुअल तरीके से, साधारण तरीके से, वो दे कांट टेक रूट हियर, दे नॉट एबल टू, दे हैव ट्राइड, नॉट दे हैव ट्राइड बट दे फेल, व्हिच इज व्हाई दे फील दैट इट नीड्स टू बी कैप्चर्ड. दूसरा उदाहरण मेरा ये है कि राजस्थान में उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन दैट यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन दैट यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुधा चौधरी, शी ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स ऑन रिलीजियस डायलॉग, सो रिलीजन एंड फिलोसफी, एंड एज पार्ट ऑफ दोज लेक्चर्स शी इन्वाइटेड वन रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अशोक बोरा, टू गिव अ टॉक. Now, Professor Sudha Chowdhury didn't agree with Professor Ashok Bora's ideas, but she invited him to speak there and express his views. Professor Ashok Bora is also one of those who feels that Western scholars are misrepresenting Indian traditions. तो उनका भी कहना था कि वेंडी डॉनिगर वो तमाम और बहुत सारे जो वेस्टर्न इंडियोलॉजिस्ट हैं वो इंडियन ट्रेडिशंस को नहीं समझते, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने टॉक को वहां देते हुए उन जिन किताबों का वो विरोध कर रहे थे उन किताबों में से उन्होंने पढ़ के सुनाया. ही रेड आउट ऑफ द बुक्स विच ही वॉज अपोजिंग, द बुक्स ऑफ दोज वेस्टर्न स्कॉलर्स हुम ही वॉज अपोज्ड टू, ही रेड आउट फ्रॉम दोज, यू नो, लॉन्ग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम दोज एंड देन एक्सप्लेन व्हाई ही डिडंट एग्री विद देम.
him, poor guy, ABVP in Mohanlal Sukhadia University took clippings of his reading from there, those scholars, and they put it, they circulated it on WhatsApp and so on. And then BJP leaders of the government of Rajasthan, as well as ABVP there, filed complaints against Professor Ashok Bora, saying, look at the obscene language he's using against our gods. Hamari Kalyan Shri Bari mein ye kaisi kaisi bhasha ka istemal kare, ashleel bhasha ka istemal kare. Professor Ashok Bora bechare kehte rahe ki bhai pehle to wo usko maine ashleel bhasha nahi kaha, lekin maine hi us un cheezon ka jise main pad raha tha usko main virodh kar raha tha. Main uske paksh mein nahi khada tha. Main to keh raha tha ki main iska virodh karta hu, lekin virodh karne ke liye meri galti ye ho gayi ki maine pad liya kitab. Kitab utha ke pad dala. Ye bhi VP walon ne kaha ki padha kaise? किताब बिना पढ़े चलाई जाती है, पढ़ा कैसे? ये जो है, ये तो बिना 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 पढ़े उसको बैन करवाना, बिना पढ़े इसको जलाना, ये तो काम है। और अगर आपको पढ़नी भी है, तो आप उसमें बिना नोट के आप कट पेस्ट कर लीजिए, अपना लीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन आप पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चलिए कोटेशन मार्क, ये बंदा ये कह रहा है और मेरा विरोध ये है, तो बस आपके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो जाएगी। और ऊपर से वहाँ के राजस्थान के मंत्री ने कहा, प्रोफेसर अशोक बोरा ने जब समझाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, सब कहा, बिकॉज ही फेल्ट वेरी इंजर्ड वो गाय, बिकॉज ही फेल्ट ही वाज एक्चुअली स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ द आइडियाज दैट यू नो दीनानाथ बात्रा एंड सो ऑन ऑल दीज आरएसएस स्कॉलर्स आर सेइंग, एंड ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ एन एफआईआर फॉर जस्ट यू नो डूइंग इट इन अ स्लाइटली इंटेलेक्चुअली मोर समवॉट ग्रेटर विद ग्रेटर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी. So when he tried to write letters to the Prime Minister saying, what did I do wrong? Then one of the ministers in Rajasthan, BJP leaders in Rajasthan, he made a remark saying, Chor kabhi manega kya ki usne galti kiya, which thief will admit that he has made a mistake? This guy is lying. There he is speaking, he is reading out these obscene things about our gods, not allowed. So you have to file that FIR against him, and the FIR is still in place. Now, the other example I thought of, the other thing which I thought of when I tried to understand why these people feel that they are at war with our universities. क्योंकि युद्ध किस चीज किन चीजों से लड़ी जाती है आमतौर पर, युद्ध क्या है उस पर हम आएंगे, युद्ध के बारे में कैसे सोचे, क्या सोचे. और लेकिन युद्ध के बारे में ये युद्ध यूनिवर्सिटी से क्यों लड़ा जाए, ये उन्हें क्यों लगता है, इसमें मुझे एक और बात याद आई कि आप ही के दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल क्या हुआ, वहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया. वहाँ एक सेमिनार बुलाया कुछ छात्रों ने रामदास कॉलेज में, जिसमें जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स को भी वक्ता के रूप में बुलाया गया. सम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, स्टूडेंट लीडर्स ऑफ जेएनयू वर इनवाइटेड, देयर आल्सो रिसर्च स्कॉलर्स, दे वर आस्क्ड टू कम एंड स्पीक एट द सेमिनार एट रामदास कॉलेज. एंड दैट सेमिनार वाज वायलेंटली अटैक्ड बाय द एबीवीपी. And they attacked everybody in sight. They attacked students, they attacked teachers, they beat them up, they kicked them, they threw stones at them, you name it. Pura, matlab all out hamla kiya. Yuddh lada. Aur uske baad mein JNU ke ek professor ne, Professor Makran Parajpur, main jis department mein thi, jab main JNU mein thi, English department mein, Center for Linguistics and English, usi ke wo teacher hain. Unhone ek article likha Indian Express, जिसमें उन्होंने एबीवीपी को कुछ एडवाइस देने की कोशिश की. प्रोफेसर मकरंद पराजपई ने कहा कि, और वो एबीवीपी के पक्षधर हैं, उन्होंने कहा खुल करके उनके आर्टिकल में भी एबीवीपी के लिए सिंपथी थी, लेकिन उन्होंने एडवाइस देने की कोशिश की कि आपको अपनी इमेज थोड़ी बदलनी चाहिए. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है उस लेख, प्रोफेसर पराजपई ने कहा एबीवीपी को कि अच्छा तो ये होता कि आप भी सेमिनार का जवाब सेमिनार से देते, लेकिन उसी सेंटेंस में, द सेम ब्रेथ, ही सेड यस इट्स बेटर इफ यू आंसर अ सेमिनार विद अ सेमिनार और आइडियाज विद आइडियाज, बट इन द सेम ब्रेथ ही एडेड, बट इफ यू डोंट हैव द टाइम और द इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन टू डू सो, अगर आपके पास इतना समय नहीं है और इतनी बौद्धिक जो है वो उस तरह की बौद्धिक टेंडेंसी नहीं है आप में, बौद्धिक इच्छा नहीं है आप में, तो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी आप लोग कुछ तो महिला नेता वेता पैदा करिए, कुछ दूसरे तरीके से बोलिए, कुछ दूसरा कुछ करिए. एकदम पत्थर वत्थर मारने लगेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, हमारे लिए भी बचाना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ये उन्होंने कहा. अब मुझे
जगह होनी चाहिए, कॉलेजेस ऐसी जगह होनी चाहिए, देश ऐसी जगह होनी चाहिए, दुनिया ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हर तरह के विचार होंगे, सब पे एक तरह का विचार कोई जल्दी नहीं हो सकता है कि संघ की विचारधारा के भी लोग हो, वो भी अपनी बात कहिए, बोले, आर्ग्यू करें, कोई बात नहीं। लेकिन एक टीचर, JNU के प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छात्रों से कह रहे, स्टूडेंट से, माइंड यू नॉट सेइंग टू एनीबडी एल्स, ही इज सेइंग टू स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट हैव द टाइम एंड इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार और यू नो फाइट आइडियाज विद आइडियाज, देन व्हाई आर यू स्टूडेंट? आप स्टूडेंट क्यों है अगर आप में इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन क्या और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के लिए कोई समय नहीं है? आपके पास सिर्फ लाठी चलाने के लिए, टीचर को पीटने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, महिलाओं पर हमला करने के लिए, रेप थ्रेट देने के लिए ऑनलाइन, सबके लिए इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन और समय है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि सही में इज इट एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल? आप छात्रों को ये नहीं कह रहे कि सब एक प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन, इफ यू आर, इफ यू सी योरसेल्फ एज एंटी, आपको अगर लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स पे पत्थर फेंकना ही एकमात्र जवाब है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप ऐसा लिख रहे हैं और इससे भी मुझे ये क्लू लगती है कि ये एक तरह से कैंपस से, यूनिवर्सिटी से एक बैर रखते हैं, वो सचमुच में समझते हैं कि हमें इन पर युद्ध बोलना और ये खत्म कर देना। और इसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है, इसमें ये उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ से विरोध के स्वर जो भी आए आज के दौर में, पिछले 2-3 सालों में ये दिख रहा है, लेकिन सिर्फ पिछले 2-3 साल या अभी की बात नहीं, दुनिया में कहीं भी देख लीजिए तो आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं, तो उसमें समाज के कई सारे तबकों के साथ में छात्रों के, इंटेलेक्चुअल्स के, कैंपसों की बड़ी भूमिका रही है। सो दैट अ बिग रोल, स्टूडेंट्स हैव बीन पार्ट ऑफ मूवमेंट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ, टुडे वी आर हियर ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, students and university students and college students and so on are a big part of India's freedom struggle as well. Any movement in the world that you look at, it has that participation of young people, of students, and invariably therefore those movements have not been, you know, मैं अभी एक बहुत interesting किताब पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही, अभी मैंने खत्म नहीं किया उसको, मैंने शुरू किया उसको, कुछ दिनों से मैं पढ़ रही हूँ, वो अक्टूबर रेवोल्यूशन पर एक नई किताब, यानी जो रशियन रेवोल्यूशन थी 1917, इट्स अ न्यू बुक ऑन द अक्टूबर रेवोल्यूशन कॉल्ड अक्टूबर बाय चाइना नियर, एंड आई व्हाट आई एम फैसिनेटेड बाय इन दैट बुक इज दैट इवन इन दैट बुक, यू नो, इन दैट रेवोल्यूशनरी पीरियड वेयर देयर वाज सो मच रिप्रेशन, इतना दमन था, इतनी कठिनाइयां थी, लेकिन आंदोलन में जो लोग थे उसमें सोल्जर्स भी थे जो मूवमेंट के पार्ट थे, soldiers were a big part of that revolution, and one of their major demands which drew them close to the revolutionaries, which drew them to the Bolshevik party at that time, was that they wanted an end to the war, they wanted an end to the First World War, they didn't want to be part of the war anymore, they didn't want to be asked to die at the borders, they didn't want to be told what a wonderful thing it was to die for Mother Russia, they didn't. They wanted to come back, and they therefore gradually, they didn't start out by being supporters of the Bolsheviks, but gradually when they found that the Bolshevik party was the one that was the most consistently anti-war, most consistently committed to ending the war, they drew towards, in their thousands soldiers became part of the movement. Lekin even though they were soldiers, they were questioning the idea of discipline. They were saying ki hame मार्चिंग ऑर्डर्स कोई देगा और हम लोग बिना सोचे, yours not to reason why, yours but to do or die, ये हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है, I will reason why I am being asked to die, मैं पूछूंगा, मैं अपने सुपीरियर ऑफिसर से सवाल पूछने का अधिकार रखता हूँ। ये जो क्लास स्ट्रगल थी, ये खुद उन सेना के अंदर चल रही थी रशिया में उस समय, जिसमें उन लोगों ने मांग करके, हक मांग करके, लड़ लड़ करके लिया कि निर्णय जो भी होंगे वो साधारण सैनिक ले, ऑफिसर नहीं लेगा, ऑफिसर हमारे अधीन होगा, ऑफिसर के अधीन हम नहीं होंगे, ऑफिसर कहेगा जाओ मरो अपने मरेंगे, हम निर्णय लेंगे, ये उनकी लड़ाई का एक बड़ा पार्ट। अब साधारण लोग भी या सोल्जर्स भी एक आंदोलन के अंदर में कितनी बहसें होती, कितनी ढेर सारी बहसें उसके अंदर थी, उसमें से हर पार्टी के अंदर कितनी ढेर सारी बहसें थी, उन सारी बहसों से जूझते जूझते एक बड़ा क्रांति हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो मेरा
idea that some kind of perfect society is a regimented society. Because I think this idea is not just about what a campus should be like, it's about what a society should be like. Campus is not some kind of separate thing from society, it's a part of society. And this is a question about what our society should be like. Should it be a regimented place where everybody marches according to some marching order, where you are told what to think, where you are told, all right, no, that's a Lakshman Rekha, you can't cross, how dare you think that? Aapne ye soch kaise liya? Aapne ye bol kaise liya? Aapne ye kha kaise liya? Aap is samay nikal kaise gaye raat mein agar aap mahila hai to? Aapne Lakshman Rekha paar. Ye cheez agar hogi kisi bhi samaj mein, kisi bhi university mein, kisi bhi jagah pe, to wo jagah kya bane? Wo jagah aap bane, aap kisi bhi society mein एक आर्मी की तरह उसको नहीं चला सकते। चंद्रशेखर की बात अभी अब गीता ने किया आपके सामने। चंद्रशेखर से जब हमारी बात हुई थी, चंद्रशेखर को मैंने अभी देखा कि this government around the same time that this tank was being proposed in JNU, there was also a proposal from the central government asking all schools to be modelled on the silent schools. This is at a time when students and parents and all over the country are asking that all government schools should be modeled on the Kendriya Vidyalayas. That the Kendriya Vidyalaya should not be some small bunch of schools that are government schools but they have a better standard of education. Every government school should have that equal standard of education and that should be available to every student in the country. You shouldn't have to pay for a good education. ये मांग जिस समय हो रहा है उस समय कहा जा रहा है कि आप सभी स्कूलों को वो सरकारी हो वो प्राइवेट हो उनको आप सैनिक स्कूल की तरह चलाएं उसमें भी यही आइडिया कहा गया पीएमओ से ये सर्कुलर गया कि ये सैनिक स्कूल की तरह आपको चलाना होगा एंड सैनिक स्कूल क्यों वहाँ पेट्रियोटिज्म पढ़ाया गया चंद्रशेखर सैनिक स्कूल से पढ़े हुए चंद्रशेखर स्टडीड इन अ सैनिक स्कूल हिज फादर वाज अ सोल्जर एंड ही स्टडीड इन अ सैनिक स्कूल एंड ही वाज ऑल सेट टू बिकम पार्ट ऑफ द एनडीए एंड सो ऑन बट एट अ वेरी यंग एज एज अ टीनएजर अराउंड द टाइम व्हेन ही वाज 17-18 ही डिसाइडेड नॉट टू डू दैट And he wrote to his mother trying to explain why not. And we also spoke to him about why he made that decision. And he said that I couldn't live with the idea. To my mind, itne sare inequalities the society mein, itni unch-neech thi, itni galat cheeze ho rahi. Aur mujhe laga ki sainik school mein mujhe jo mahol mila, usme mujhe hamesha hi bhatak hoti thi. Mujhe lagta tha ki usme sab kuch obedience bataya jata hai. Aapko virodh nahi karna kisi cheez. आपको अपने ओबीडियंस असर तो मुझे लगा ओबीडियंस सेना में भी कितना जरूरी है क्या है कोई अलग बात लेकिन एक सोसाइटी में ओबीडियंस कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कोई देश का नागरिक जो है देश में रहने वाला जो है वो क्यों ओबीडियंट हो उसके लिए तो डिसओबीडियंस क्वेश्चन करना इसलिए तो सबसे अच्छी और जरूरी चीज़ है किसी भी लोकतंत्र में और उसको लगा उसने अपनी माँ को भी समझाया कि मैं इसको नहीं कर सकता मुझे पता है कि आपको पैसे की दिक्कत होगी अगर मैं और कहीं पढ़ूंगा मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके मैं मैनेज कर लूँगा लेकिन मैं एनडीए में भर्ती नहीं होगा मैं उस रास्ते पर नहीं जा सकता तो ही चूज नॉट टू बी एंड येट द करेज दैट ही शो यू नो आई बिकॉज वी वर वेरी क्लोज टू चंद्रशेखर वी वर क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स आई ऑलवेज हैव ट्रबल डिस्क्राइबिंग व्हाट चंद्रशेखर डिड एज अ सैक्रिफाइस बिकॉज आई डोंट थिंक ही सॉ व्हाट ही डिड एज अ सैक्रिफाइस He was doing what he loved to do. वो इस तरह के काम में कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में मजदूरों के आंदोलन में गरीब खेत मजदूरों के आंदोलन को खड़ा करने में उसे मजा आता था उसे लगता था कि यही तो तरीका जिएगा उसको अगर हम मैंने सुबह 9-5 किसी जॉब में देर कार्य करना करके तो बेचारा बहुत दुखी हो जाता बहुत परेशान होता उसको अगर किसी भी तरह के रेजिमेंटेशन में रखा जाता बहुत परेशान होता वो खुशी से गया जो काम करना चाहता था उसके लिए पूरी खुशी से गया था और वहाँ पर लेकिन जब साहस लगती है मुझे लगता है कि साहस जब भी हम सोचते हैं यू आस्क अ चाइल्ड आई डन दिस इन डिस्कशंस विद पीपल यू आस्क पीपल टू इमेजिन व्हाट इज अ इमेज ऑफ अ करेजियस पर्सन एंड दे विल से इट इज अ पर्सन इन यूनिफॉर्म विद अ गन इन हिज हैंड मुझे लगता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल निहत्था खड़ा वो जानता है कि उससे पहले कई लोग सिवान में ढेर सारे लोग मारे जा चुके हैं
वहाँ के जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है उन्होंने हत्या करवाई, वो जानता है, वो जानता है तेरी भी हत्या हो सकती है, लेकिन जानते हुए आंखें खोल करके वो वहाँ जाता है और एक नुक्कड़ पे खड़े होकर के उसके हाथ में इस तरह की माइक जो कभी बंद हो जाती है कभी चलती है, उसके अलावा कुछ नहीं था, उस माइक को लेकर के वहाँ खड़ा हुआ और छाती पर गोली मारी। मुझे लगता है कि ये तो साहस है, ये साहस नहीं है क्या? गांधी के विचारों के साथ भी कई बहसें हो सकती है, बहुत सारी बहसें हैं, लेकिन एक बात जो मुझे लगती है सही लगती है कि जो नवाबी से अपनी छाती ने लिया, गांधी ने लिया, ये बारे साहस है, इसमें बहादुरी है, इसमें साहस है। और जो भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी को बदलने के लिए, अगर हम मानते हैं सोसाइटी जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी है, उस पर सवाल उठाना देशद्रोह, हाउ डेयर यू चैलेंज, हाउ डेयर यू वांट टू अनाइलेट पावर, हाउ डेयर यू सजेस्ट दैट मेन एंड वुमेन द रिलेशनशिप दैट वुमेन आर नॉट द बेस्ट सिचुएशन इन इंडिया। यहाँ तो महिलाओं को पूजा की पूजा होती है, कैसे कह दिया कि यहाँ पे बड़े गलत ट्रीटमेंट होती है, बताओ। ये जो एटीट्यूड है जिन लोगों की, उनके लिए वाकई में मुश्किल है समझना कि समाज को बदलना चाहता, समाज से जो बहुत जो लोगों से बहुत प्यार करते हैं वही सोचते हैं कि अच्छा हम अपना सारे जीवन की कई सारी चीज़ें रिस्क में डाल कर उस सोसाइटी को बदलने की इच्छा रखें, उसे बदलने की कोशिश करें और उस कोशिश में जी जान लगा दें, जान भी लगाना पड़े तो उसको भी लगा, इसमें तो बहुत साहस लगता है, क्योंकि दैट मेक्स यू अ टारगेट, दैट्स नॉट अ पॉपुलर थिंग टू डू, द पॉपुलर थिंग इज नॉट टू यू नो इज नॉट टू ट्राई एंड चेंज थिंग्स, एंड येट दोज हु डू इट surely they deserve our greatest respect because they are doing something which we need to be done, which is an urgent need to be done. ये जो courage है, मुझे लगता है कि colleges और universities का जो काम है वो एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये जो साहस हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति में है, जो चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना भी हो उसमें भी ये साहस हो सकता है, उस महिला में भी हो सकता है, उस पुरुष में भी हो सकता है, लेकिन उस साहस को एक तरह से संवारना, उसको नर्चर करना, उसको शार्पन करना, ये एक यूनिवर्सिटी का काम, उसका काम है एक यूनिवर्सिटी का कि वो रेस्पेक्ट सिखाए कि पूरे क्लासरूम में अगर सारे के सारे एक ही मत के हो और एक बंदा या बंदी हो जो विरोध कुछ बोल रही हो उसको भी रेस्पेक्ट आपको करना है और उसको सुनना है और उसके आइडियाज को पूरी सीरियसनेस के साथ अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो काउंटर करना, ये यूनिवर्सिटी को सिखाना काम है, क्योंकि ये चीज़ सिखाना ये सोसाइटी में भी बहुत जरूरी है, ये एक बात है। और यहाँ मैं एक अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, मेरे लिए जब मैं स्कूल में थी, जब मैं अपने स्कूल से कॉलेज की कॉलेज में आई बॉम्बे पढ़ने के लिए, मैं भिलाई में मेरी पढ़ाई हुई स्कूल, तो मुझे लगता है कि मैं याद करूँ कि मैं हमेशा अगर टीवी में भी अगर नेशनल एंथम बजे मैं खड़ी हो जाती, अगर कोई कहे युद्ध की बातें तो हमेशा लगता था कि हाँ सोल्जर्स की बातें हो रही, रोंगटे खड़े होते थे होते, और कोई जो बहुत सारे यू नो पोएट्री कॉम्पिटिशन्स में बच्चे आते थे तो पेट्रियाटिक पोएट्री हिंदी में सुनाते थे, उससे भी रोंगटे खड़े होते थे, लगता था कि हाँ इसमें कोई बात है कि इस तरह की कविताएँ हो रही। लेकिन माई फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इन कॉलेज चेंज दैट, and there's a reason how that happened. I want to share that with you, because a very beloved teacher of mine just passed away and it was through her that this transformation began. She was Professor Eunice D'Souza and she taught English literature, and unke class mein hame war poets padhna, war poets kaha jata hai English literature mein un kaviyon ko jo first world war ke samay kavitaen likh rahe, unme se kai log aise the, wo sab yuva bahut hi young, they were youngsters who were poets when the first world war started, they had to join up as soldiers and most of them joined up thinking the soldiers that the war was a patriotic war to save India and that they had to do it to save India, and they many of them remained conflicted about it throughout the experience, throughout the war they remained in doubt about what that war was about, lekin wo jo doubt paida उस डाउट ने सबसे जबरदस्त पोएट्री पैदा की, वो युद्ध में जाने से पहले वो भी कविताएं लिख रहे थे, रोमांटिक पोएट्री लिख रहे थे कि देश के लिए कुर्बानी देना कितना जरूरी चीज़ है, युवाओं को कैसे कुर्बानी देनी चाहिए,
लेकिन जब वो खुद सैनिक बने और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो पहला उस स्केल का युद्ध था उसकी ट्रेंच वॉरफेयर को झेला, जहाँ पे गैस अटैक्स होते थे और गैस अटैक्स में जब वो अपने साथियों को मरते हुए देखे तो उनके मन में डाउट का सीड जो है वो बोया, द सीड ऑफ डाउट वाज सोन इन देयर माइंड्स एंड दैट प्रोड्यूस अमेजिंग रिमार्केबल पोएट्री. One such poet, and this teacher of mine, she used to read out that poem. One such poet is called Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori. Dulce et Decorum Est. Dulce et Decorum Est is a Latin saying by a Latin poet called Horace, which means sweet and fitting it is to die for one's fatherland, to die for one's country. अपने देश के लिए मरना सबसे ज़्यादा मीठी और अच्छी चीज़ होती है, सही चीज़ होती है, ये है उस बात. लेकिन उन्होंने उस पोएम को लिखा ये पूरा डिस्क्राइब करते हुए कि गैस से मरता हुआ आदमी कैसे लगता है, उसके मुंह से क्या क्या निकलता है, उसके चेहरे पे क्या रंग होता है, वो सारे सैनिक जो उसे देख रहे होते हैं उनके चेहरे पर क्या रंग होता है. और उसने लास्ट में कहा, इनिशियली दैट पोएम वॉज एड्रेस टू समरी और जेसी को. Later he took away that dedication because he felt it's not only about that one Jessie Pope. Jessie Pope was a woman, a civilian propagandist for the war. She had never fought in the war, but she used to write poems exhorting young men to go join the war. वो युवाओं को कहती थी जाओ युद्ध लड़ो और अपने देश के लिए कुर्बानी दो वगैरह, वो इस तरह की कविताएं लिखती. तो इस कविता को शुरू में विल्फ्रेड ओवेन ने लिखा था जेसी पोप के लिए, उन्होंने वापस ले लिया बात, उनका अकेले जेसी पोप ने कई सारे ऐसे लोग. और उसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम देख पाते, अगर तुम लोग देख पाते इस ऐसे सैनिक को ऐसे मरते हो तो यू वुड नॉट बी एबल टू टेल विद सच हाई जेस्ट टू चिल्ड्रन आर्डेंट फॉर सम डेस्परेट ग्लोरी दैट ओल्ड लाई दल्चे डेकोरम एस्ट प्रो पैट्रिया मोरी. आप ये झूठ नहीं बोल पाते बच्चों को जो चाहते हैं कुछ ऐसा सुनना, उनको आप ये झूठ नहीं परोस पाते, नहीं पिला पाते कि अपने देश के लिए मरना कितना मीठा होता है, कितना सही होता है. क्योंकि अगर आप उससे आदमी को मरते हुए आपने देखा ना, ये होता है. उसी कवि ने एक और कविता लिखी थी जिसमें स्ट्रेंज मीटिंग, इन विच देयर आर टू पीपल, टू यंग मैन हु आर मीटिंग इन हेल, वो रियलाइज करते हैं कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहते हैं हम कहाँ हैं, तो समझते हैं कि हम तो जन्म में हैं, हेल में हैं. तो वो एक दूसरे से बात करते हैं कि जाना पहचाना से लग रहे हो, तो मेरे दोस्त लग रहे हो, कौन हो. और वहाँ पर वो कहता है जिस गोपल के जिस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो, बड़े पहचाने से लग रहे हो, वो कौन. और वो कहता है आई एम द एनिमी यू किल्ड माय फ्रेंड, मैं वही दुश्मन हूँ जिसको तुमने कल मारा और मैंने तुम्हें मारा, हम दोनों ने एक दूसरे को मारा. और वो यही लिखते हैं कि हम अब मर गए हैं, तो वो जो ट्रूथ है, we have left us one truth untold. What is that truth? The pity of war, the pity war distilled. कि वॉर में सेलिब्रेट करने के लिए युद्ध कितनी अच्छी चीज़ है बोलने के लिए बात नहीं है, युद्ध में एक अफसोस करने की बात है कि इस युद्ध की वजह से वो लोग जो जी सकते थे, दुनिया को बेहतर बना सकते थे, वो दोनों लोग मारे और मरने के बाद वो एक दूसरे को दोस्त के रूप में पहचान, दुश्मन के रूप में एक दूसरे को मारा. ऐसी कविताएँ लिख रहे हैं. अब मेरा कहना है कि मुझे जब जब लोग पूछते हैं, आजकल तो ये रूटीन हो गया है, जिस तरह से आपके कैंपस में टैंक आने की बात हो रही है उसी तरह से टैंक के जरिए मेरे व्हाट अबाउट द टैंक, व्हाट अबाउट सोल्जर्स, इसको वो एक कॉन्वर्सेशन स्टॉपर की तरह रख देते हैं. यानी जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं तो व्हाट अबाउट द सोल्जर्स, ये सवाल खड़ा होगा. द मिनट यू आस्क एनी क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द आरएसएस और व्हाटएवर यू आर फेस विद, व्हाट अबाउट द सोल्जर्स, you people are all anti-national and so on because you're not talking about the soldiers. Mera kehna hai ki respect for the soldiers does not mean respect for war. It does not mean respect for war memorial. And for me, hearing those poems recited by Ulysses Souza, after that it became impossible for me ever. Every time I hear somebody from in a TV studio wearing army fatigues, an anchor putting on army fatigues in a TV studio and talking about how wonderful war is and how wonderful the soldiers are, I mean, who are you? What gave you the right to do that? You don't know what kind of pain a soldier goes through.
I don't know that either. We have no right to celebrate their deaths and do politics in the name of their deaths and use their deaths to silence everybody else. Ye to koi baat nahi. Mere liye to respect for soldiers means trying to imagine that among those soldiers there are the Wilfred Owens and the Siegfried Sassoons and the Rupert Brookes and the Robert Graves. ये जो वॉर पोइट्स थे जिन लोगों के जिन युवाओं के मन में कविताएं हैं जीने की इच्छा है मरने की इच्छा नहीं जीने की इच्छा है वो उन सारे सैनिकों में है उन सारे हर सैनिक में वो अभिव्यक्ति है हर सैनिक में मुझे विल्फ्रेड ओवन नजर आते हैं और मेरा उनके लिए बेहद रेस्पेक्ट है लेकिन मेरा मानना है कि उनके लिए रेस्पेक्ट का मन हमारे लिए मेरे लिए मायने ये है कि फिर मैं युद्ध पे सवाल उठाऊँ दैट आई मस्ट रेज अ क्वेश्चन ऑन वॉर आई मस्ट आस्क क्वेश्चंस अबाउट वॉर ये मेरे लिए जरूरी है ये मुझे लगता है कि हर नागरिक के लिए जरूरी होना चाहिए क्योंकि ये जो हमें सिखा देते हैं कि देश के लिए सोचने का मतलब है टैंक के बारे में सोचना टैंक में कोई है ना बंदा बैठा हुआ जो उसे चला रहा है जैसे कि ब्रेथ की कविता जिसको गीता ने सुनाया उसमें जो बात है उस व्यक्ति के बारे में क्यों ना सोचें वो व्यक्ति किस किसान परिवार से आया है किस तरह के उत्पीड़ित समाज से आया है बड़े लोगों के बच्चे तो नहीं मरते उसे गरीब लोगों के बच्चे हर देश के गरीब मरते हैं युद्ध में उसके बारे में हम क्यों ना सोचें क्यों नहीं पूछे कि इसमें क्या कैन दिस नॉट बी अवॉइडेड कैन वी नॉट थिंक ऑफ सोसाइटी इन विच पीस इज पॉसिबल अ वर्ल्ड इन विच पीस इज पॉसिबल व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू आस्क दैट और मैं एक और चीज़ याद कहूँ आप लोगों के बीच में आखिरी बार क्योंकि ये सीधा महिला आंदोलन के लोगों पर हम लोगों पर सीधे पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि सैनिक जो है वो सोल्जर्स के बारे में ये हो जाता है कि जब भी आप किसी ऐसे सवाल को उठाइए जहाँ पर हमारे देश के अंदर जो इंटरनल वॉर्स हैं उसमें भयानक कृत्य हुए रेप्स हुए हैं मर्डर्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रेप्स एंड मर्डर्स दैट हैव हैपेंड और अदर राइट्स वायलेशंस दैट हैव हैपेंड इन बस्तर दैट हैव हैपेंड इन द नॉर्थ ईस्ट दैट हैव हैपेंड इन कश्मीर That minute we are branded as anti-nationalists, how dare you say that? You're not respecting the soldier. Now, I don't understand that. मेरे साथ एक आज तक के कार्यक्रम में जिसमें गुरमेहर कौर के बारे में ये कार्यक्रम था जो रामजस कॉलेज में जिसके पिताजी कारगिल के युद्ध में मारे गए थे और उसने इसलिए पीस की उसने कहा कि नफरत मैं भी करती थी मुझे लगता था हर मुसलमान पाकिस्तानी है और सभी पाकिस्तानियों से तो नफरत करनी चाहिए मेरी माँ ने मुझे सिखाया ऐसा मत सोच और ऐसा कहने के लिए गुरमेहर पे हमले हुए उस पर अटैक हुआ वगैरह पिछले साल की रामदास की घटना के बाद उसके बारे में डिबेट थी यानी महिलाओं पर रेप थ्रेट वगैरह के बारे में लेकिन उस पर कार्यक्रम नहीं हुआ उसी शो में बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे संबित पात्रा और आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव राकेश सिन्हा उनको भी बड़ी परेशानी है यूनिवर्सिटी से उन्हें भी लगता है कैप्चर करना जरूरी है उन्होंने मेरे विचारों पर वहाँ टैंक चलाने की कोशिश किया उन्होंने क्या कहा कौन सा टैंक था वो आई थिंक दैट फॉर अस टैंक इज अ वंडरफुल मेटर क्योंकि जब भी आपको कोई आपके विचारों को किसी को बोलने का दो उसे बंद करने की कोशिश करें आप इमीडिएटली सोचिए कि ये तो टैंक चला रहे हैं हम लोगों पे टैंक चला रहे हैं कोशिश कर रहा है टैंक चला दे मुँह बंद कर दे हमारा वहाँ मुझे लगा उन्होंने क्या कहा कार्यक्रम एकदम शुरू में मैं बोली भी नहीं थी तब उन्होंने ऐसी उंगली दिखाई और कहा कि ये वो महिला है जो अन्य सारी महिला संगठनों के साथ मिल करके ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी के लोग सब बलात्कारी आर्मी बलात्कार करते तो आई वाज वेरी हॉरस्ट्रक क्योंकि दैट वाज द डे इन अंबेडकर यूनिवर्सिटी व्हेन देयर वाज टू बी अ सेमिनार ऑब्जर्विंग द एनिवर्सरी ऑफ द एज इन मेमोरी ऑफ द कुनान कोशपोरा रेप्स इन कश्मीर टू विलेजेस इन विच यस पीपल इन इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स इंडियन आर्मी पर्सनल accused of raping two entire villages full of women. Those women are saying we were raped and for an entire night during our search operation. And the struggle for justice in that is still going on. तो मुझे और उस कार्यक्रम को उस दिन अंबेडकर यूनिवर्सिटी में उस दिन नहीं मुझे दिया गया था लेकिन उस दिन के अखबारों में था अब मुझे ये लगा कि उन चीज़ों के बारे में बोलना अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम क्या कहें नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को तंजम मनोरमा की माँ को हम क्या बोल इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गई कि असम राइफल्स के जवानों ने बलात्कार और हत्या की मनोरमा दे रेप
if we say that it is anti-national to demand justice for her daughter, that means that the nation we are imagining is against women, it's against humanity, it's for them. What kind of a nationalism is that? What kind of kaisa rashtravad hai jo kahega ki kuch balatkar ko jaiz, un balatkaron ko, un balatkariyon ko bachana zaruri hai hamare liye. Aur jaise hi aap desh ke naam pe balatkariyon ko bachayenge, आप कहेंगे देश का यूनिफॉर्म पहना हुआ था इसलिए उसका बलात्कार ठीक है, उसको नहीं बोलना है, तो आप उस जगहों की महिलाओं को क्या कहें? आप तो कह रहे हैं कि आप नहीं है देश का हिस्सा, और अगर वो समझ रही है कि हम देश का हिस्सा नहीं, तो कौन सा गलत समझ रहे हैं? क्या समझना चाहिए उनको? तो आपने ही उसको कह दिया कि आप तो नहीं हो देश का हिस्सा, हम नहीं मानते भारत की बेटी और क्या क्या, हम कहेंगे अन्य लोगों के लिए, आपके लिए नहीं कहेंगे, गलती से भी नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं आप. तो इसमें सवाल जो हम उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो देश का बॉर्डर और वो क्या समझते हैं, वो अपने आप को भारत का हिस्सा समझते हैं नहीं समझते, वो गलत बात है. लेकिन बलात्कार गलत है, किसी का भी किसी के द्वारा बलात्कार गलत, उस बलात्कार के खिलाफ बोलना क्या ये जरूरी नहीं है? सीआरपीएफ के जवानों ने अभी अभी एक लोकल टीवी चैनल ने एक रक्षाबंधन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, टीवी चैनल सीआरपीएफ के लोग के जवान कैसे टीवी चैनल द्वारा प्रायोजित किसी रक्षाबंधन कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं? वो किस डिसिप्लिन का पार्ट, किस आर्मी डिसिप्लिन का पार्ट हो रहा है? लेकिन वो गए और किसको राखी, किससे राखी बनवाई? आदिवासी बच्चियों से बस्तर में दंतेवाड़ा के गांव में उन्होंने राखी बनवाई. ये कहने का क्या मतलब हुआ? जिस बस्तर में आदिवासी ढेर सारी बच्चियों को की हत्या हो गई है सीआरपीएफ के द्वारा माओवादी कहकर के, 12-11 साल के बच्चे, मैं उनके माता पिता से मिल चुकी जिनका बलात्कार हुआ इतनी सारी महिलाओं का, वहाँ पर आप दिखा रहे हैं टीवी शो के लिए, लोकल चैनल के लिए आप एक ऑर्केस्ट्रेटेड शो दिखा रहे हैं कि बस्तर की छोटी आदिवासी बच्चियां सीआरपीएफ वालों को भैया कह रही है और कह रही है भैया आप मुझे बचाइए, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, आप मेरी रक्षा करिए. और उस रक्षा के नाम पर क्या किया सीआरपीएफ के जवानों ने? उसमें से एटलीस्ट दो जवानों ने बच्चियों का पीछा किया, बाथरूम में जो जा रही थी वहाँ उनकी मोलेस्टेशन की, उन्होंने विरोध किया बच्चियों ने, तो उनको धमकी दी कि तुम जानते नहीं हो हम लोग कौन है, तुम्हें मार दे सकते हैं, तब माओवादी कहते थे क्या करो, और ये वहाँ बच्चों के साथ हो चुका है, जानती है. ये जब हो रहा है इसके खिलाफ हर नागरिक को नहीं बोलना चाहिए, इसको आप बंद करा दोगे, आप कहेंगे यूनिवर्सिटीज में इन पर कोई बात बहस नहीं होनी चाहिए, देश में इस पर कोई बातचीत बहस नहीं होनी चाहिए, नेशन वांट्स टू नो क्या है कोई चैनल बताएगा, और आप सबको वी हैव टू फॉलो इन लाइन एंड यू नो मार्च टू द ट्यून ऑफ व्हाटएवर इज द रिपब्लिक चैनल्स यू नो अ बीट, बिकॉज यू नो द रिपब्लिक में कोई पब्लिक नहीं, रिपब्लिक में क्या है पब्लिक को मानना होगा, क्या जो भी आपके जो जिस टीवी चैनल को सरकार की ब्लेसिंग मिली हुई है वो बताएगा कि ट्यून पे मार्च करना है, सबको मार्च करना होगा, सलामी देने होगी, बस. ऐसे नहीं चलता कोई सोसाइटी, ऐसे नहीं चल सकती. और इसीलिए मैं अंतिम बार यही कहना चाहती हूँ कि कैंपस में हो सकता है टैंक आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उस टैंक को वो समझते नहीं है कि आप सचमुच में इतने सारे सोचने समझने वाले व्यक्तियों के विचारों पर आप टैंक नहीं चला सकते. वहाँ और बातें हैं उस यूनिवर्सिटी में जो सवाल करते थे. और राष्ट्र की जहाँ तक बात है, मेरे लिए जो मीनिंग है देश प्रेम का, आज अगर 1975 अगर 75th एनिवर्सरी है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो मैं एक आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करूँ कि 1942 क्या था, वो फ्रीडम स्ट्रगल क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग लड़ रहे थे वो सभी लोग तो कोई सेना के पार्ट नहीं थे, कुछ लोग थे जो सैनिक थे, कुछ लोग थे जो साधारण लोग थे, बहुत सारे साधारण लोग थे जिनके आपस में ढेर सारी बहसें बहस करते हुए वो लड़े और उस आंदोलन को लड़ करके उन्होंने जीता. और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ये जो लोग हमें राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है वो हम बताएंगे और आप उस पर फेल हो जाएंगे तो हम आपको फेल बता करके आपके सेडिशन का केस लगाएंगे, ये खुद वहाँ उस समय क्या कर रहे थे? इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जिस समय सारे मिनिस्ट्रीज से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स रिजाइन कर रहे थे 1942, उस समय हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो गवर्नमेंट चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ, उन्होंने रिजाइन करने से मना किया, चिट्ठी लिखी ब्रिटिश को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को कैसे क्रश करें, कैसे खत्म करें, कैसे दमन करें, कैसे दबाएं, उसके बारे में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करिए, वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार है, हम वहाँ इस आंदोलन को नहीं चलने देंगे, हम दबा के खत्म कर देंगे. दबा के खत्म करने की बात आप लोग कर रहे हैं और आज आपके प्रधानमंत्री जो हैं, जो आपने की विचारधारा के हैं, वही संघ परिवार के वही शाखाओं में पड़े पड़े हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या
क्या है वो हम समझा के आपको बताएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हम लोग सब जानते हैं इतिहास में है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यह बहुत ऐतिहासिक भूल किया। उनको लगा था कि ये युद्ध क्योंकि फाशीवाद विरोधी युद्ध है इसलिए हमें उस युद्ध का समर्थन करना चाहिए और इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि फैशिज्म को डिफीट करना जरूरी है। मेरा मानना है बहुत बड़ी गलती थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने तमाम पार्टियों ने तमाम कम्युनिस्ट पार्टी माना भी है कि बहुत बड़ा भूल। लेकिन आप सोचिए कि उस समय भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के क्या असेसमेंट्स थे कम्युनिस्टों के बारे में और आरएसएस के बारे में उतना पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करूँ क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो रिपोर्ट्स हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उसमें आरएसएस के बारे में है द साउथ हैज स्क्रूपुलसली केप्ट इटसेल्फ विद इन द लॉ एंड इन पर्टिकुलर हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द डिस्टर्बेंसेस दैट ब्रोक आउट इन ऑगस्ट 1942। इसको उन्होंने लॉ अबाइडिंग कहा बढ़िया कहा अच्छा कहा। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट थी सीपीआई के बारे में जुलाई 1942 का वो ये है इट इज प्राइमरीली अ नेशनलिस्ट पार्टी वर्किंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इट इज क्लियरली इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट कम्युनिस्ट टू अडॉप्ट अ कोल्डली लॉयलिस्ट एटीट्यूड। यू बेट वी आर नॉट द कम्युनिस्ट वर नॉट लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिश राज देन एंड दे आर सर्टेनली नॉट लॉयलिस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट नाउ क्योंकि हम एकदम मानते हैं कि सवाल उठाना किसी भी सत्ता से सवाल करना सत्ता से आँख में आँख मिला करके सवाल करना उस सत्ता से उससे ज़्यादा साहस की कोई बात नहीं हो सकती। टैंक के सामने आँख से आँख मिला करके टियानमेन स्क्वायर में छात्र खड़े हुए चाइना में खड़े हुए वो सवाल किए और हमारे दौर के छात्र आंदोलन के लिए वो बहुत बड़ी आइकॉन थी। वो हम सब जब छात्र आंदोलन से जुड़ रहे थे तो टियानमेन स्क्वायर का आंदोलन में हमें प्रेरित और मेरा मानना है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट क्या करें। आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम डिस्कशंस देयर विल बी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस द टीचर्स विल प्लान अराउंड दैट टैंक द वंडरफुल काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट दैट जेएनयू स्टूडेंट्स विल प्रोटेस्ट विल इनैक्ट अराउंड दैट टैंक। मुझे लगता है कि वो 100 मीटर की दूरी पर भी तुम लोग को रखे ना इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छात्र जो है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे नए नए तरीके और टैंक को लेकर भी तरीके को निकालेंगे अपनी बात को कहने का और अपनी इंसानियत को